हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। ठीक है ना, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DU इंटर्न से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें मोस्टली हर एक एप्लीकेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम कौन सी है, वो है वेस्ट फोर का सिलेक्शन और कैलकुलेशन करने में। कैसे हम अपना वेस्ट फोर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डेली यूनिवर्सिटी का न्यूज़ बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए और पेज नंबर 145 पर एनेक्सर 12 में आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, एग्जांपल दिया गया है, ये ऑफिशियल है, तो इसमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ स्कोर्ड अकाउंटेंसी 90%, लीगल स्टडीज 92%, इंग्लिश 88%, इकोनॉमिक्स 94%, टोटल मार्क्स इन फोर सब्जेक्ट 91% आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि अकाउंटेंसी 90% है उसका, 92 है, 82 है, 94 है, इसको कैलकुलेट किया तो 91% बन रहा है। ठीक है, अब इसको करना है बी ऑनर्स, कॉमर्स स्टूडेंट है, इसको बी ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो इसका 1% डिडक्ट हो जाएगा। क्यों डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, डिडक्शन कब होता है, जब आपका जो लिस्ट वन है ऊपर आप देख लेंगे तो लिस्ट वन और लिस्ट टू है, तो उसमें से अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है या कोई सब्जेक्ट दो तीन बार हो गया तो इसलिए आपका डिडक्शन होता है। और आप जैसे यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश अगर नहीं होता आपके पास फिर भी आपका डिडक्ट हो जाता है। इंग्लिश जिस चीज़ से आप ऑनर्स करना चाहते हैं, जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, अगर वो सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो उसका भी डिडक्शन होगा। इधर देखते हैं, एग्जाम्पल फोर में क्या है। इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ स्कोर्ड फिजिक्स 96%, केमिस्ट्री 92%, इंग्लिश 90%, मैथमेटिक्स 94%, इकोनॉमिक्स 83%, तो इसमें बेस्ट फोर का जो कलेक्शन हुआ है, कैलकुलेट हुआ है, वो हुआ है 96, 92, 90, 94, तो इस परसेंटेज बनी 93, 93% बनी, तो इसने क्या लिया, बी ऑनर्स हिस्ट्री। अगर इसको हिस्ट्री करना है, साइंस का स्टूडेंट है, तो साइंस का स्टूडेंट है, इसको हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो इसके पास हिस्ट्री तो थी नहीं, तो उसके लिए 1% का डिडक्शन हो जाएगा, तो 92% इसके पास बचेंगे। अगर बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो इंग्लिश करना है इसको, बीए ऑनर्स इंग्लिश, तो इसका क्या होगा, 2% डिडक्ट होगा, 91% 93% है, 93% में 2% डिडक्ट होगा। किस लिए, क्योंकि 91% हो गया, 1% हो गया इसका फिजिक्स एंड 1% केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसने इंक्लूड किया है बेस्ट फोर को, क्योंकि इंग्लिश से ऑनर्स करना है आपको तो इंग्लिश भी होनी चाहिए। और ये देखो, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट हो गया लिस्ट वन के, इसलिए आपका क्या हुआ कि 1-2% डिडक्ट हो गया है। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स अगर इकोनॉमिक्स इसे करना है तो 1% डिडक्ट होगा, डिडक्शन फॉर नॉट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके पास मैथ्स है, इंग्लिश है जो कंपलसरी है, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है इसके पास, इसलिए इसका डिडक्शन होगा 1% का। ठीक है, केस टू, टोटल मार्क्स इन फोर सब्जेक्ट आर दिस, परसेंटेज कितना, 90.75%, द इफेक्टिव परसेंटेज फॉर बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज 90.75%, डिडक्ट करके बनेगा। कंपेयरिंग केसेस, फर्स्ट केस वन, केस टू, बेस्ट फोर फॉर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज 92%। ठीक है, तो आप अपना ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। बी ए वाला जो है, बी ए वाला कैंडिडेट वो फिज ये क्या ऑनर्स नहीं कर सकता है, बीएससी नहीं कर सकता, बीएससी ऑनर्स नहीं कर सकता, ना फिजिक्स से कर सकता है, ना केमिस्ट्री से कर सकता है, नहीं कर सकता है। बट बायो वाला क्या है, वो बीएससी वाले बी आर्ट्स के सारे कोर्सेस कर सकते हैं, सारे ऑनर्स कर सकते हैं, बस डिडक्शन हो जाएगा उनका। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, जो जिसका भी है, जिसका कॉमर्स है, साइंस है, तो कैलकुलेट करना आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और टेंशन नहीं लेना यार, सब कुछ हो जाएगा इजीली। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, हॉस्टल कैसे मिलेगा आपको, हॉस्टल की कट ऑफ वगैरह क्या जाएंगी, और साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस कौन सा बेस्ट है, तो उन सबको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना,
और ये भी देख लूँगी, ये एग्जाम्पल 7 क्या, इफ एन एप्लीकेंट हैज स्कोर फिजिक्स 85%, केमिस्ट्री 92%, इंग्लिश स्कोर 90%, बायोलॉजी। और हाँ एक प्रॉब्लम है, कोर और इलेक्टिव, कोर और इलेक्टिव में क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत होती है लोगों को। अगर आपके पास कोर कोर के दो सब्जेक्ट हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी, आप नहीं ले सकते हैं। इलेक्टिव इलेक्टिव के दो सब्जेक्ट हैं तो लैंग्वेज के हैं तो नहीं ले सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट लिया जाएगा। हाँ इलेक्टिव वालों को शायद ऐसा कहीं माना जाता है कि बेनिफिट मिलता है, 1% का बेनिफिट मिलता है इलेक्टिव वालों को कहीं कहीं पे। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, साउथ कैंपस वर्सेस नॉर्थ कैंपस लेके या हॉस्टल वगैरह का वीडियो लेके मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, बाय बाय।